सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब। मैं आपका भाई ओपी और आप देख रहे हो ओपी व्लॉग। गाइस आज हम करने वाले हैं चीनू के ऊपर प्रैंक। क्या बात कर रहे हैं बाप। और प्रैंक भी ऐसा भाई साहब बहुत खतरनाक वाला। उसको अपने गेमिंग सेटअप से ना बहुत प्यार है। वो जब भी स्कूल से आता है ना अपने गेमिंग सेटअप पे आ जाता है। और कल भी वो इतना खुश हो रहा था कि भाई मेरी छुट्टी पड़ गई, उसके पेपर खत्म हो गए ना। तो भाई साहब उसके गेमिंग सेटअप को ही छुपा देते हैं और मैं कह दूंगा कि चोरी हो गया। ये भाई पूरा उसका गेमिंग सेटअप है। तो गाइस अब इसको छुपाते हैं। सिर्फ सिस्टम और एक आधा छोटा मोटा सामान ही जा पाएगा। अच्छा ये तो खुल गया। अभी मैंने उसको ना उसके चाचा के साथ बाहर भेज रखा है, ऊपर नहीं आया सुबह से। पहले सारी केबल्स हटा देता हूँ। इस गेमिंग सेटअप को करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया था और हटाने में भी उतना ही टाइम लगेगा। और भाई साहब जब दोबारा मैं करूंगा ना इसको सेटअप तो बहुत टाइम लगने वाला है। ये देखो गाइस कितनी कितनी तारे फैलती है भाई, ये समस्या है। वैसे तो भाई हमारे इस गेमिंग रूम में कैमरा लगा रखा है मैंने, लेकिन इस कैमरे में मेमोरी कार्ड नहीं है। स्टीयरिंग व्हील निकल गया है गाइस। इन सब को ऐसे बिखराना है कि लगे कि भाई गया सब कुछ। इसको तो यहाँ से बिल्कुल ही गायब करना है। मेन तो ये पीसी है उसका, बहुत वजन है यार इसमें तो। तो गाइस ये तो उसका चोरी हो गया। इसको रख देता हूँ मैं मंदिर में, उधर उसको शक भी नहीं होगा। मंदिर में रख दिया पीसी। और वो क्या करेगा, वो सिर्फ इतना देख लेगा, इतना ही देखेगा बस। वो लैपटॉप भी गायब करना पड़ेगा उसके साथ साथ, क्योंकि लैपटॉप उसको पता यही रखा था। कल दिमाग में आ जाएगा चोर तो लैपटॉप पहले ले जाता, क्योंकि लैपटॉप तो हल्का सा है। कैमरा भी हटाना पड़ेगा क्योंकि कैमरा भी कॉस्टली होता भाई, बहुत तेज हो रहा है। छोटे मोटे सामान तो छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि चोर जल्दीबाजी में चोरी करेगा ना, मोटा मोटा ही सामान लेके जाएगा। ओके ये भी हटा ही देता हूँ। उसको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे कमरे में चोरी हुई है, इतना ही बहुत है। ओ ये रह गया सबूत, छोड़ रहा सबूत। तो इसको ऐसी जगह छुपाऊंगा उसको पता ही नहीं चलेगा गाइस। गाइस इनको लॉकर में छुपा देता हूँ मैं। इसको छुपाता हूँ। तो गाइस सब कुछ छुपा दिया है मैंने, अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगा। भरत जी की तो बड़ी सुंदर लग रही है आज। अरे सुंदर तेरा चाचा है बेटी। तो गाइस चिनू भी आ गया है और चिनू खा रहा है अभी खाना, छोले चावल खा रहा है मोटूलाल। हमारे प्लॉट में एक भाई है, वो ना लगातार हाथ लगा कर बैक फ्लिप मार देते हैं। उनको बिना हाथ लगाए भी बैक फ्लिप मारनी आती है। अच्छा बिना हाथ लगाए मार देता है। चलो चिनू पापा आगे भैया। भाई साहब कर दे आगे भाई। हमारे बहुत चार पांच लगातार, हाथ लगा के बिना हाथ लगाए भी कर दे। बिना हाथ लगाए एक लगेगी एक बार। अच्छा एक लगेगी, सिखा भी देगा। सबको सिखा देगा ये बचाएगा बच्चा। भाई साहब कह रहा है कि सबको सिखा भी देगा, तो इसके लिए भाई कुछ टाइम बाद गद्दा लाएंगे और पार्क में जाके सबको सिखाएंगे। बोलिए वहाँ पे चलते पीछे प्लाट में, खाली एरिया वहाँ पे। अच्छा खाली एरिया में चलेगा भाई, खाली एरिया में चलते हैं अभी। फ्रंट मारेगा बैक, चलो पहले एक बिना हाथ वाली मार देते हैं भाई। अभी एक बिना हाथ लगाए फ्लिप मारेगा। ओ भाई साहब भाई साहब फ्लिप मारा भाई, हाथ लगा के कंटिन्यू, देखे कितनी लगेगी। भाई साहब भाई साहब आठ फ्लिप मार दी भाई, लकी कर रहा अभी भाई साहब। कमर के बल गिर गया यार ये तो, धिक्कार है हम पर। तो गाइस चिनू ऊपर जा रहा अभी और कैमरे में देख रहा हूँ क्या रिएक्शन होते हैं उसके। क्या बोल रहा पता नहीं, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। किसने गिर दिया पीसी, क्या हो गया, किसने गिर दिया? अगर मैं इसको उठा लेना करंट वगैरह बहुत तगड़े वाला, देखना। तो पीसी है किते, यो कर पीसी गिर रखा, पीसी किते है एक बात हूँ चिनू सच बताए, तुम्हारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा है, कसम खा। पापा आपकी कसम, मम्मी की कसम, पापा बच्ची की कसम। और ना पर स्टीयरिंग व्हील है, हमारी प्लानिंग है ना चिनू, सिर्फ बताइए ईमानदारी से। प्लानिंग है सिंपल प्लानिंग है, आपने कह दिया और यहाँ पर प्लानिंग हो गई। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आपने प्रैंक किया मम्मी। अरे प्रैंक हम सोचे तू कर रहा है, नहीं जीता का मजाक होया कर लूं बता मैंने। अरे सुन पापा, हमें सोच तू प्रैंक कर रहा हमारे साथ, तू गड़बड़ कर रहा था। एक बात अच्छी नू, हमने प्रैंक पहले भेजते थे ना, अब प्रैंक तू कर रहा है। मेरे ख्याल तू और मोगली बात कर रहे थे। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इतना बड़ा पीसी लू थोड़ी जगह थोड़ा लुकेगा। तू बता कितने लोगों का रहा, किधर का रहा है? रात 101
1% शीनू का प्रैंक करो, मैं समझ गई। ठीक है समरिया, कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा है भाई, कौन क्या कर रहा है? रिकॉर्डिंग नहीं होती इसमें, इसका पासवर्ड नहीं पता हमने। एक बार का ऐसा काफी खराब हो जाएगा, एक कोशिश भी पेपर ले हो रहा है, मेरे ध्यान रख लिए। भाई कैमरे की रिकॉर्डिंग भी नहीं मिल रही। पीसी का है भैया। अरे मैं भी जा रहा हूँ, अभी प्लाट में देख के आ रहा है, सब जगह ढूंढता घूम रहा है ये। काले भैया, आपको अपनी मम्मी का कसम, मैं बता दूं क्या है? माँ की कसम, मुन्ने नहीं दे रहा है। भाई सच में नुकसान हो गया, दिखा प्रैंक प्रैंक के चक्कर मेरे ही साथ है। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा रहा है भाई साहब? पता नहीं मेरे को, और पीछे पीछे भागना पड़ेगा इसके। अरे किसके जा रहा है? पड़ोस में आ गया देख। ओए आराम से बचाने यार, गुस्सा हो जाऊंगे। तुम्हें शर्म है कुछ? ये देख घुस गया घर में, देखो कोई मारेगा अभी इसके। पड़ोस के घर में गुस्सा घूम रहा है, ये परेशान कर रहा सबको। मेरे पहले भी भाई की बड़ी छुपाई थी। आपके घर आंटी से पूछ ले, कोई आया हो तो आंटी से पूछ ले। मिल गया होगी तसल्ली है, सब जगह घूमता फिर रहा है, अब कहाँ जाने वाला है? और स्कूटी घुमाने लग रहा भाई, अब उठा भी रहे तू बाइक लेके पुलिस स्टेशन जाएगा? भाई साहब चीनू कह रहा अपनी बाइक लेके पुलिस स्टेशन जाऊंगा, अभी हमने भगा रहा है तो भाई ना मिला यार लैपटॉप नहीं, इनका पीसी भी जा रहा है, सारा सामान कुछ भी खड़ा पड़ा ऊपर है। मैं थाने में जाऊं हूं। कौन लेके जाएगा थाने में? अपनी बाइक ठीक करा के जाऊंगा लेके। पहले बाइक का ठीक करवा के ले। बात तो सही है। अब कहाँ फोन मिला रहा है? प्लीज कॉल। दिखाइए किचा किस फोन मिला है? दिखा दिखा नंबर, दिखा दिखा। हेलो, अब इस फोन नंबर फोन मिला दिया इसने तो। मारो का खोपड़ी तोड़ साले का, मार। पुलिस वाले के पास फोन मिला दिया। हमने क्यों प्रैंक करना है तेरी गलाई सा? मैं तो इतना हिसाब किताब नहीं कटी बोर्ड लेने का मेरे थी। और मैं ये ठीक क्या मंगेंगे? मैं तो वैसे आया नहीं, और कल हमने तो बॉल लगा कर गए थे कुंडी, बिल्कुल कुंडी खुलती कौन है? बात तो सही। पापा ने किस गोल की? बंदा मोटी मोटी चीज लेकर गया, उसने तो नॉलेज ना होगा, जो सामान था ले गया होगा बेटे। नॉलेज होती थी तो उसके हिसाब से तार निकाल कर गया। मेरा दिमाग खराब हो रहा है बेटा। मारना मम्मी मेरे को। ताला क्यों लगा कर तुम? और ताला मत क्या कर, ताला लगा कर ऊपर। मजाक मान जा बस। आपको मजाक लग रहा होगा। इन्हू बता इसने फिर इसके मुंह से गिर जाती। प्लीज आप क्या पैर पकड़ रहे हो, बता दो ना। मैंने पता नहीं जिस चीज का मैंने कहीं नहीं रखा भगवान का। तो ये बात करा दो पुलिस वाला से। मैं तो कहा मैंने कुछ भी कितने भी ना रखा। टूटे तो ना यार, सिर तरह टूटे देखिए बेटे। कुछ नहीं हुआ, ये ना टूट गई हो। सेट कैसे करेंगे बाबा इसको? सेट होगा, क्यों होगा जी, पता करेगा सेट। क्या हो गया बेटे, इतना दुख क्यों मान रहे हो? राजा का पापा ले आऊंगे। मैं भी ले आऊंगा बेटे। वो कैमरे के साथ उसका स्टैंड भी ले गया, जो भी होगा ना उस लड़के मरे। अरे बाबा मुझे इस बात पर हंस है, जो भी लेगा सड़के मरे। तेरी तेरे तो मैंने रोते ना देख कैसे आवे। इसको अपने पीछे ना बहुत लगाव है, मंदिर पास की पास उधर चेक क्यों नहीं करा? मुझे लगता मंदिर में होगा, क्योंकि मंदिर तो कोई नहीं रखता। गाइज प्रैंक काफी देर चलता, लेकिन ये कह रहा था कि मैं थाने में जाऊंगा इसकी, अगर वो चैन ठीक होती ना बाइक की तो अभी थाने में भी चला जाता ही है। तो बहुत टाइम लगेगा भाई अभी यार, मैंने अपने ही टाइम खराब करवाया, मेरा ही टाइम बढ़ेगा अब। भाई साहब हमने फिर से सेटअप रेडी कर दिया है चीनू के लिए। चीनू कैसा लगा बेटे अब? A few moments later. गाइस अभी मैडम है ना पानी का दूध बना के दिखाएगी इसको, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो दोनों गिलास में पानी है, अभी दूध बनाएगी देखना। अब धूप में चोचो गुनू गई है, पानी का दूध बन जा, पानी का दूध बन जा, पानी का दूध बन जा।
भाई साहब ये तो काला बना दिया, पानी का दूध तो बना नहीं, काली जा कर तू ना काला हो गया। बच्चों की चीज की माला बनानी है तो बाजार से सामान लेने चले। चलो तो गाइस पूजने वाली होली पे ना, तो भाई बच्चे चीज की माला पहन के जाते हैं, पहले जाएंगे माला बनाने के लिए सामान लेने। तो गाइस बाजार चलते हैं। ड्राइविंग सीट पे आके बैठ गया कालिया भाई, आज ये चला के ले जाएगा आज। भाई मॉल में आ गए हैं, इधर से लेंगे सामान। यहीं पे हमने चिल्लर दिए थे ना याद है? हाँ यहीं से चिल्लर दिए थे। ये दो ले रहे हैं आपके लिए, एक आपके लिए एक चिनू के लिए। चलो भाई बिल करवा लो। अब भाई अभी बिल करने लग रहा है, सामान तो ले लिया है, अब यहाँ से चलते हैं भाई। तो भाई घर पे तो पहुँच गए। सामान की कितनी बड़ी लिस्ट, पूरी हाथों का इतनी बड़ी लिस्ट निकाल दी, ठीक है तो गोटे से भी नीचे तक आ रही है। तो गाइस अभी हम लोग घर पर आ गए हैं, अपनी माला के लिए चीज लेकर भी आ चुके हैं। और गाइस कल यार मेरी मम्मी मेरे और चीकी के लिए मस्ती माला बनाएगी, मेरे तो इमेजिन करते ही मुंह में पानी आ रहा है बिल्कुल। भाई फिर यार देख के मत जाया करो यार, देखा भी करो और सब्सक्राइब भी करा करो, लाइक भी करा करो। तो भाई ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक की देना, शेयर की देना और क्या कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।